आखिरकार मैंने ये मॉन्स्टर तैयार कर ही लिया। ये सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर होगा जो कि मेरे इशारों पर नाचेगा और इसके जरिए मैं पूरे के पूरे लॉस सैंटोस पे राज करूंगा। अरे यार मेरे पालतू मॉन्स्टर, बस थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार कर, मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट तेरे पे करूंगा, उसके बाद तू पूरी तरह से मेरा गुलाम हो जाएगा। यहाँ से हिलना नहीं, मैं अभी आता हूँ। गाइस, ये पागल साइंटिस्ट ने एक ऐसा मॉन्स्टर तैयार किया है जो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को बर्बाद कर सकता है। पर गाइस, इस साइंटिस्ट को ये कहां पता था कि जो मॉन्स्टर उसने बनाया है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। जब वो मॉन्स्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए जाता है, तभी गाइस उसका एक बॉडीगार्ड इस मॉन्स्टर के साथ खेलने लगता है और गाइस वो मॉन्स्टर को भाई बुली करने लगता है, मतलब कि यार उसको छेड़खानी करने लगता है। इस पर गाइस वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है और गाइस इसके बाद वो मॉन्स्टर पूरे लैब को तबाह करके सारे लोगों को मार करके वहाँ से भाग जाता है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है यार, हमारे प्यारे लॉस सैंटोस को कोई बचा पाएगा इस मॉन्स्टर से? तो गाइस तुम्हें अगर ये जानना है ना तो पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि गाइस आगे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अरे यार ऐसा क्या हो गया यार कि टोनी ने मुझे इतनी जल्दी सुबह सुबह भाई न्यू चैनल देखने के लिए बोल दिया? यार देख ही लेता हूँ लॉस सैंटोस में हो क्या रहा है। तो दोस्तों स्वागत है आपका तड़कते बढ़कते न्यूज चैनल पे, और आज हम लोग देख सकते हैं कि लॉस सैंटोस में एक मॉन्स्टर घूम रहा है और सबको धो रहा है। ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके सामने एवेंजर भी फीके पड़ते जा रहे हैं। क्या कोई है जो हमारे लॉस सैंटोस को बचा सकता है इस मॉन्स्टर के हाथों से? अबे यार इतना बड़ा कांड हो गया भाई साहब, इतना बड़ा मॉन्स्टर लॉस सैंटोस में खुलेआम घूम रहा है। भाई मेरे को किसी भी हाल पे यार टोनी के पास जाना पड़ेगा। यार इतना खतरनाक मॉन्स्टर घूरेगा तभी तो यार टोनी ने मुझे इतनी जल्दी जल्दी बुला लिया। भाई साहब मेरे लग रहा काफी ज्यादा खतरा भी। ये क्या यार, ये मॉन्स्टर तो मेरे पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है। अबे भाई मैंने क्या तेरा बिगाड़ा है यार? अरे यार ये मॉन्स्टर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मुझे किसी भी तरह करके यहाँ से भागना पड़ेगा यार, जल्दी से टोनी के पास पहुँचना पड़ेगा। अबे नहीं यार मुझे छोड़ दे। भाई साहब ये कैसे चल रहा है यार, ये तो भाई रुक रहा है, कर क्या रहा है ये बंदा? अरे यार मुझे लगता है इसे पता चल गया कि मैं एक एवेंजर हूँ, इसीलिए मेरे पीछे पड़ चुका है। मुझे किसी भी तरह करके इससे बचते हुए यार एवेंजर टीम के पास पहुँचना पड़ेगा। अब टोनी ही मुझे बता सकता है कि मुझे आगे क्या करना है। अरे नहीं यार मेरी गाड़ी ठुक गई भाई साहब, अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके हाथों से बचने वाला हूँ। भाई ये कितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, इतना गंदा मॉन्स्टर। अरे भाई रुक जा यार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? अबे नहीं कार नहीं यार। अरे भाई साहब ये बंदा मुझे कार चला के मार रहा। अबे रुक जा भाई। गाइस मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला। गाइस मैंने किसी तरह किसी और की गाड़ी चुरा करके भाई किसी तरह वहाँ से निकल तो आया, बट गाइस अपन लोग को अभी टोनी के पास जाना पड़ेगा। आखिर ये मैटर क्या चल रहा ना, ये टोनी ही जाकर के मुझे बता पाएगा। अरे यार अब मुझे जल्दी से टोनी को खोजना पड़ेगा। अरे यार टोनी किधर है यार, लॉस सैंटोस में कितना खतरनाक मॉन्स्टर दौड़ रहा है यार। और भाई देख उसने मेरी हालत क्या कर रखी है। टोनी भाई कर क्या रहा है यहाँ पर तू? भाई तेरा आयरन सूट किधर है? और भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पर? अरे यार फ्रैंकलिन थोड़ी देर के लिए चुप हो जा यार, मैं तुझे सब कुछ समझाता हूँ। देख जो मॉन्स्टर को तूने अभी देखा है ना, वो मॉन्स्टर एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट था जिस मॉन्स्टर को भाई इस साइंटिस्ट ने बनवाया था, बेवकूफ साइंटिस्ट। और वो मॉन्स्टर अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ था और भाई वो लॉस सैंटोस में भाग गया, उसने इस साइंटिस्ट को भी धोया और भाई अब लॉस सैंटोस में सबको धो रहा है। साले पागल साइंटिस्ट, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तेरे कान देख मेरी क्या हालत हो रखी है तेरे मॉन्स्टर ने, मैं तो तुझे आज जिंदा ही मार दूंगा। अरे यार फ्रैंकलिन रुक जा यार, अभी उसको छोड़ दे, फिलहाल मॉन्स्टर से झेलना अपन लोग को। भाई मेरे पास एक मस्त सा आइडिया है। अबे यार टोनी तेरे को पता नहीं है यार, वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है, कोई आइडिया वाइडिया उस पर काम नहीं करने वाला यार। अरे नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तू एक काम कर, साइंटिस्ट को लेकर के सीधा लैब में जा, और भाई मैं हल्क को भेजता हूँ मॉन्स्टर को लेकर के आने के लिए। वो मॉन्स्टर को हल्क सीधा लैब में लेकर के आएगा, उसके बाद अपन लोग उस मॉन्स्टर को दूसरे डायमेंशन में ही भेज देंगे। मैटर ही खत्म। ठीक है यार टोनी जैसा तू बोलता है सही है यार, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है और भाई पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को बर्बाद कर रहा है। और गाइज इसके बाद फ्रैंकलिन और हल्क दोनों निकल जाते हैं। फ्रैंकलिन निकल जाता है वो साइंटिस्ट को लेकर के लैब की तरफ, और गाइज अपना हल्क निकल जाता है उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी भाई वो मॉन्स्टर ही थी और उस मॉन्स्टर को किसी भी हाल में यार लैब में लेकर के ही आना था। तो गाइज तुम्हें क्या लगता है यार, अपने एवेंजर टीम इस मॉन्स्टर को हरा पाएगी क्या? अगर तुम्हें ये जानना है ना तो पूरा वीडियो जरूर देखना गाइज, आगे और भी मजा आने वाला है। अरे इस मॉन्स्टर ने तो पूरे लॉस सैंटोस को ही बर्बाद कर दिया, जिधर देखो उधर तबाही। इस मॉन्स्टर को इसकी भरपाई करनी होगी।
होगी। मैं इस मॉन्स्टर को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे हाथों से बच भी गया तो भी मैं दूसरे डायमेंशन में जा करके मारूंगा। पर यार ये मुझे तो कहीं दिखी नहीं रहा, आखिरकार ये है कहाँ पर? अच्छा मुझे इसकी रीडिंग मिल गई, अब मैं जाता हूँ इसको बताता हूँ भागता किधर है। बच्चे इस लॉस सेंटोस में सिर्फ एक ही मॉन्स्टर रह सकता है और वो हूँ मैं। तेरे भागने के दिन गए, अब तो तुझे मरना ही होगा मेरे हाथों में। अरे अरे डर नहीं, मैं तुझे पूरी तरह से नहीं मारूंगा, तुझे अधमरा करके सीधे लैब लेकर के जाऊंगा। लगता है ये मॉन्स्टर मर गया, अब मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा लैब में क्योंकि मुझे इसको दूसरे डायमेंशन में भी भेजना है। और गाइस इसके बाद हल्क उस मॉन्स्टर को लेकर के सीधे लैब की तरह चल जाता है जहां से इसको दूसरे डायमेंशन में भेजना था। अरे फ्रैंकलिन मैं ये मॉन्स्टर लेकर के आ गया यार, इतना छोटा सा तो था, अब जल्दी से इसको दूसरे डायमेंशन में भेज दो। अरे हां यार जल्दी से करते हैं, ओए पागल साइंटिस्ट को जल्दी से टेलीपोर्ट कर। भाई साहब ये काफी ज्यादा खतरनाक है यार। आखिरकार यार ये मॉन्स्टर दूसरे डायमेंशन में चली गया। पागल साइंटिस्ट भाई साहब अब तेरी भाई हजामत होने वाली है क्योंकि यार तू यहाँ से सीधे जाएगा जेल। अरे फ्रैंकलिन टेंशन नहीं ले यार, मैंने पुलिस को बुला लिया है और भाई ये साइंटिस्ट जाएगा सीधे जेल में और आज के बाद ये इस तरह के कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हो वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाओ लिख दो कि अगली बार तुम्हें कौन से मॉन्स्टर के साथ फाइट देखना है। मिलते हैं गाइस तुमसे अगली वीडियो में।